फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज आज जहां शनिवार को समाजवादी पार्टी से लोकसभा फूलपुर से प्रत्याशी अमरनाथ मौर्य ने नामांकन किया है, जहां उन्होंने आज पर्चा दाखिल किया है, तो साथ ही उन्होंने भाजपा पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं और उन्होंने निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने नामांकन करने के बाद मीडिया से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी को नफरतवादी पार्टी बताया है और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। देखिए, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के जयंती के अवसर पर हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मेरा टिकट घोषित किया। आज उन्हीं के पार्टी के आशीर्वाद से मैं आज नामांकन किया। और रही बात मेरी प्राथमिकताएं तो होंगी ही, मगर जिस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी आई थी 2014 में, जिस तरह से उन्होंने झूठा वादा किया था, उन्होंने कहा था कि हम काला धन लाएंगे, उन्होंने कहा था कि नौजवानों को नौकरी देंगे, उन्होंने कहा था कि हम जो है किसानों का कर्जा माफ करेंगे, जो उन्होंने घोषणा पत्र में दिया था भारतीय जनता पार्टी एक भी पूरा नहीं किया है। और रही बात, ऐसा ऐसा लुभावने नारा दिया था कि जनता उनके लुभावने नारे में फंस गई थी। किससे मुकाबला है? उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए प्रत्येक खाते में चला जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि 2014 में नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला और 2019 में नामा कांड करके राष्ट्र के नाम पर वोट मांगा। आज जनता जान चुकी है, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरा बेटा पढ़ लिख जाएगा तो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। आज जानते 70 बार पेपर लीक हुआ है और ऐसा, और जानते हैं कि वो परहेज हो गए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी नफरतवादी पार्टी है, ये हिंदू और मुसलमान की बात करती है। जब ये देश आजाद हुआ तो किसी ने नहीं पूछा था हिंदू का बेटा है, मुसलमान का बेटा है, सिख का बेटा है, ईसाई के बेटा है। सबका मकसद एक ही था, इस देश को आजाद कराया जाए। उसी तरह आज जानते जो चुनाव हो रहा है क्या मनपुरपुर लोकसभा का, सबका मकसद यही है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो, जिससे जब हमारे नेता अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन की जब सरकार बनेगी तो 4 साल की नहीं 60 साल की नौकरी मिलेगी। 400 पार भाजपा कह रही है। अरे या तो आप लोग सवाल इस बात का नहीं है, कहने से कुछ नहीं होता। 2014 में जो कहा सही बात कही क्या? सही बात कहा क्या? अब ये जनता जो है सब जान गई है। जनता को ये चाहिए कि बेरोजगारी अहम मुद्दा है। और यही भी देख लीजिए कि 51 फूलपुर लोकसभा में इनकी 10 साल सरकार है, फूलपुर की कताई मिल बंद हुई है, यहाँ कई सांसद रह चुके हैं भाजपा के, आज तक एक प्रश्न नहीं उठाया है। और मुझे अगर फूलपुर की महान जनता मुझे यहाँ से चुनने का अवसर देती है तो स्वाभाविक रूप से मैं उनके आवाज को भी उठाऊंगा। और ये जो इस तरह की जो नफरतवादी पार्टी है, आज जानते हैं देश में सबसे बड़ी बात है, इस देश की लड़ाई में सबका योगदान था ना। आखिरी सवाल आपसे ये है कि भाजपा लगातार इंडिया गठबंधन के गठबंधन, देखो कहे, अरे जब आप मैं वो ठगबंधन कह रहे तो मैं तो कहता हूँ नफरतवादी पार्टी है वो, और हमारा गठबंधन पूरा मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, हमारे साथ देख रहे हैं जो गठबंधन के लोग कितना उत्साह है। वो लोग भी नामांकन करने आए, हमारे कार्यकर्ताओं में इतना जोश है, उन नौजवानों का जोश है जो चाहते हैं हमें नौकरी मिले, जो चाहते हैं हमें सम्मान मिले। ये हर वर्ग का मामला है, ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। जानते हैं क्या मामला है? सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में नौजवानों को अगर नौकरी नहीं मिलती है तो उनके माँ बाप का जो है सपना कैसे पूरा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संघर्षों के बलबूते पर भारत का संविधान दिया था, उनकी मंशा थी कि गरीब घर में पैदा होने वाला बेटा और बेटी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, अगर आज मुझे अवसर मिला है तो ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है, जो मैं 51 लोकसभा क्षेत्र का। संगम नगरी प्रयागराज में आज जहां बसपा फूलपुर से प्रत्याशी जगन्नाथ पाल ने आज नामांकन किया है, जिला कलेक्ट्रेट में आज उन्होंने अपने समर्थकों के संग पहुंचकर नामांकन किया है। साथ ही नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बसपा बहुत आगे निकल चुकी है, उसका किसी से भी सामना नहीं, और क्या कुछ कहा है भी भाजपा पर निशाना साधते हुए, आइए दिखाते हैं। आपने नामांकन किया है अभी, और किस तरह के लिए आपको सीट, क्या मुद्दे हैं आपके और उसको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं,
किस तरह का मुकाबला देखते हैं, कितनी लड़ाई है आपकी? सबसे पहले तो मैं मीडिया के सभी चैनलों को धन्यवाद देता हूँ और मैं अपनी नेता आदरणीय बहन जी को बार बार आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने कार्यकर्ता को क्यावन फुलपुर सदी क्षेत्र का प्रत्याशी बना करके हमारा ही नहीं सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम आदरणीय बहन जी ने किया है, मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ। और आदरणीय मित्रों, मैं प्रदेश अपने क्षेत्र की जनता को संदेश देना चाहता हूँ, यदि मुझे अवसर मिला मैं क्षेत्र की जनता के लिए निरंतर उनके विकास के लिए और उनके सर्वांगीण विकास के लिए और हमारी पार्टी का जो शिक्षा सुरक्षा रोजगार की गारंटी का जो काम है उसके मैं काम करने का प्रयास करूँगा। किससे मुकाबला मानते हैं कांग्रेस? यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से गठबंधन है, बीजेपी प्रत्याशी, किससे मुकाबला है? सही पूछिए तो बहुजन समाज पार्टी से कोई मुकाबला है ही नहीं, किसी बहुजन समाज पार्टी कोई मुकाबला कर ही नहीं रहा है। बहुजन समाज पार्टी बहुत आगे बढ़ चुकी है। क्या क्या मुद्दे हैं आपके यहाँ पर, जीत पर क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? महंगाई, भ्रष्टाचार, शिक्षा सुरक्षा, रोजगार, ये हमारे मुद्दे होंगे। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि 400 पार में सभी अच्छी सीटें, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये 400 पार तो सरासर झूठ है, अभी कहीं मतदान हुआ नहीं, गिनती हुई 400 पार कैसे उनका। इंडिया गठबंधन भी दावा कर रहा है उसकी सरकार पर मिल जाएगी। इंडिया गठबंधन बहुत पीछे चला गया है, अब यहाँ पर जो है बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से भी लड़ाई है और ये परिवर्तन की लहर चल चुकी है, पश्चिम से पूर्व की ओर निरंतर चल रही है, निश्चित परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है पूरी विकास की लहर, कोई पार्टी सामने नहीं दिखेगी। जनता भूखों मर रही है, 5 किलो अनाज दे करके जनता को और गरीब बनाया जा रहा है, महंगाई बढ़ा करके जनता की कमर तोड़ दी जा रही है, ये जनता सब जान चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी किसी भी बहकावे में नहीं आने वाली। मैं बताती हूँ आप, लड़ाई हमारी किससे है आपको पता है? मैं जगन्नाथ पाल, इक्यावन लोकसभा क्षेत्र का बहुजन समाज पार्टी की प्रधान। संगम नगरी प्रयागराज में जहां पुलिस ने कल देर रात 3 लोग को गिरफ्तार किया था मुखबेड़ में, जहां 2 लोग को अस्पताल में भर्ती कराया था, तो वहीं आज 1 को डीसीपी गंगानगर ने प्रेस वार्ता करते हुए मीडिया के सामने पेश किया है। बता दें अजय पटेल, दिलीप पटेल और विकास को पुलिस ने मुखबेड़ में गिरफ्तार किया है। इनके पास से हत्या में प्रयुक्त असलहे भी बरामद किए हैं और रॉड भी बरामद की है। पुलिस ने अब इनको विधिक कार्रवाई कर जेल भेजा है। डीसीपी गंगानगर ने प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी कि पहले से इनको पूरी सुनियोजित तरीके से तैयारी की और तैयारी करने के बाद हत्या को अंजाम दिया है। और क्या कुछ कहा है डीसीपी गंगानगर ने प्रेस वार्ता करते हुए इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहा है। 26 अप्रैल 2024 को थाना थरवई क्षेत्र अंतर्गत एक घटना हुई थी जिसमें लालमणि पटेल को अगवा कर लिया गया था। इसके संबंध में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था 108/24 अंतर्गत धारा 364 और उसके पश्चात उनकी अगले दिन जो है डेड बॉडी बरामद हुई थी जिसमें धारा 302, 201 और 120 भी की वृद्धि की गई थी। इसमें हमारी टीम लगातार जो है मुजरिमों को तलाश रही थी और कल रात्रि में थाना थरवई अंतर्गत रात्रि चेकिंग जो दैनिक की जाती है वो की जा रही थी। उसी चेकिंग के दौरान हमारी थाना थरवई और पापामो की टीम और एसओजी की टीम भी वहाँ पर चेकिंग कर रही थी। वहाँ पर सामने से 1 4-पहिया वाहन आया जिसे रोकने का प्रयास किया गया और वहाँ से उस वाहन से उतरकर 3 अभियुक्त जो हैं वो भागने लगे और भागते हुए उन्होंने पुलिस पार्टी पे फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग में 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है जिनका नाम है अजय पटेल और दिलीप पटेल और 1 अभियुक्त विकास पासी उसको मौके से गिरफ्तार किया गया। मजरूब हैं उनको तुरंत से अस्पताल में उपचार हेतु दाखिल कराया गया और इसमें एक मुकदमा और पंजीकृत किया गया। नगरी प्रयागराज में आज इलाहाबाद संसदीय सीट से जहां बसपा के प्रत्याशी रमेश सिंह पटेल ने नामांकन किया, अपने समर्थकों के साथ वे कलेक्ट्रेट पहुंचे थे जहां पर उन्होंने नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। साथ ही विपक्ष और इंडिया गठबंधन में निशाना साधा है, कहा कि दावा तो सभी करते हैं मगर हम भी दावा कर रहे हैं कि महन जी जो है प्रधानमंत्री बनेंगी और रोजगार देंगी। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए दिखाते हैं आपको। बहुत मुद्दे हैं जमीनी लेवल, लेकिन जो नेशनल मुद्दे हैं वो पार्टी हमारी बहन जी माननीय मायावती जी वो जो है मुद्दे मैनिफेस्टो हैं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, इतने मुद्दे हैं कि गिना नहीं सकते बिना लिख के। तो मुद्दे तो बहुत हैं लेकिन जो हमारी ज़मीनी मुद्दे हैं किसानों की बहुत हैं, नौजवानों की बहुत हैं, शिक्षा की है। जैसे
गांव-गांव हम लोग जाते हैं तो इतनी महंगाई है, किताब नहीं मिलती है, किताब इतनी महंगी, GST लगा दी 18%, मजदूर किसान कैसे पढ़ाएगा बच्चों को। जनता क्यों आपको वोट करे? जनता जो है अपने अधिकारों के लिए, बहन जी के जो हाथों को मजबूत करे, सदन में उनकी बात रखें, आरक्षण की सुरक्षा के लिए, आत्मसम्मान के लिए बहन जी उनकी जो है रक्षा कर रही है, इसलिए वोट करें। किस तरह मुकाबला देखते हैं? कांग्रेस भी वहां पर लड़ रही है, बीजेपी भी, किससे लड़ाई है आपकी, कैसा मुकाबला? कांग्रेस के बाद पूरा 25,000 वोट है, भाजपा है कुछ थोड़ी बहुत, हम तो बहुजन के बेटे हैं, 12 लाख पर अकेले लड़ रहे हैं। किससे मुकाबला है बीजेपी? हमसे किसी का मुकाबला नहीं है, हम तो एकदम अकेले हैं भाई, हम बहुजन के सिपाही हैं, बहुजन के बेटे हैं, तो हमसे कौन मुकाबला करेगा? बीजेपी तो कह रही है कि 400 पार, बीजेपी तो कही थी कि हम 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, दिया क्या? कांग्रेस का भी दावा है कि इंडी गठबंधन जीत रहा है। तो दावा तो सभी करते हैं ना, लेकिन एक उसका फाउंडेशन होना चाहिए ना। आपका क्या दावा है? मेरा दावा यह है कि बहन जी भी प्रधानमंत्री बनेंगी, बहुजन जागा है, बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी। दो बार से जीत रही है ना, तीसरी बार थोड़ी जीतेगी। आपके पास सबसे बड़ी चुनौती है कि इलाहाबाद में कभी बसपा नहीं जीती। अब सुनिए, बहुजन एक नहीं था, बार बहुजन एक है, इसलिए चुनौती खत्म है। बहुजन के लोगों को ऐसा धार्मिक देश है तो लोग हो गए, उन्माद में आ गए, अब कुछ नहीं चलेगा। राम मंदिर का मुद्दा नहीं चलेगा? अरे मंदिर बहुजनों से बहुत दूर है। आप शिक्षा की बात करिए, नौकरी की बात करिए, मंदिर की बात तो घरों में रहेगी ना, पूजा करें घरों में बैठ करके, पढ़ने तो बाहर जाएंगे ना भैया, पढ़ने तो बाहर जाएंगे। तो आप शिक्षा की बात करिए, नौकरी की बात करिए, रोजगार की बात करिए, भ्रष्टाचार की बात करिए। चुनाव में संविधान की बड़ी चर्चा हो रही है कि संविधान जो है उसको खतरा है। संविधान को बिल्कुल खतरा है, खतरा दिख नहीं रहा है ना, नौकरी दे रहे हैं, जब देखिए परीक्षा हो रही ना, लीक। रमेश पटेल इलाहाबाद 52 से, बसपा प्रत्याशी। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिसमें मुस्लिम पक्ष के बाद अब हिंदू पक्ष अपनी दलीलें कोर्ट में पेश कर रहा है। कोर्ट में केस की पोषणीयता को लेकर सुनवाई हो रही है। मुस्लिम पक्ष का मानना है केस पोषणीय नहीं है और 1991 वर्सेस एक्ट के तहत सुनवाई होनी चाहिए। वहीं हिंदू पक्ष का मानना है ये केस पोषणीय है। आज अर्जी 9/4/16 पर सुनवाई हुई। वहीं इस पूरे मामले पर सुनवाई जारी रहेगी और कोर्ट ने अगली तारीख 7 मई 2024 तय की है। 7 मई को सुबह 11:30 बजे से इस पूरे मामले में सुनवाई शुरू होगी, क्योंकि कुछ मामलों में अभी बहस बाकी है जिसको लेकर ये तारीख लगाई गई है। और क्या कुछ कहना है अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह का, आइए दिखाते हैं। देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद को लेकर के उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सुनवाई चल रही है, जिसमें कि विगत 3 दिन से लगातार सुनवाई हो रही थी, आज भी सुनवाई हुई, और जिसमें कि हिंदू पक्ष अपना पक्ष लगातार रख रहा है, और ये 7-11 की जो एप्लीकेशन है उसकी पोषणता को लेकर सुनवाई हो रही है, जिसमें शाहिद का पक्ष का कहना है कि ये 7-11 के अनुसार ये केस पोषणीय नहीं है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की लाइट में इन केसों को नष्ट किया जाना चाहिए। लेकिन हिंदू पक्ष का मानना है कि ये सब केस पोषणीय है और हमने पहले भी इस तरह के साक्ष्य कोर्ट में दाखिल किए हैं, और हमने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है वो भी दाखिल की है कि ये प्रॉपर्टी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब श्री जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर है, तो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सब हमारे पक्ष में है। मुस्लिम पक्ष आज तक कोई डॉक्यूमेंट दाखिल नहीं कर पाया है, तो इसी को लेकर के दोनों पक्ष अपनी अपनी बहस कर रहे हैं, और आज बहस हुई है, लेकिन इसमें कुछ बहस कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो माननीय न्यायालय के द्वारा अंतिम तारीख 7 मई को लगा दी गई है, इसमें 11:30 बजे पुनः सुनवाई होगी, जिसमें कि हम अपना पक्ष रखेंगे और जिसमें कि शाही ईदगाह पक्ष के लोग भी अपनी आपत्तियां दाखिल करेंगे। तो अब मैं मानता हूं कि इसमें लगभग बहस कंप्लीट होने की ओर है, और 7 तारीख को मैं समझता हूं बहस कंप्लीट हो जाएगी और 11:30 बजे अपना पक्ष हम लोग रखेंगे। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई हुई, जिसमें हिंदू पक्ष की तरफ से बहुत ही मजबूती से आर्गुमेंट रखा गया, सूट नंबर 9 में थोड़ा बहुत, सूट नंबर 16 में, और फिर सूट नंबर 4 में। जो हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार जो हमारे जो बहस है, हमारी बहस वो ये है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये जो धार्मिक चरित्र को निर्धारित करने के लिए, रिलीजियस कैरेक्टर को, इसके लिए कहीं कुछ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में रोक नहीं है, क्योंकि धार्मिक चरित्र वहाँ डेफिनेशन ही नहीं है और माननीय न्यायालय इसको डिसाइड करेगी। ये तमाम इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश भी पहले के हैं गैनवापी प्रकरण में। और जो जिस वो जो जगह है, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है और धार्मिक चरित्र वहाँ का जो मंदिर का है,
और ऐसे में अगर कोई जबरदस्ती वहां मस्जिद बना ले तो ऐसे केस में भी या साइलेंस कोई चुप रहा उस दरमियान चुप रहा डर के मारे और नहीं विरोध हो कर पाया, तो ऐसे में ये वहां प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का धारा 4 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज डी सीधे तौर पर कहता है इस बात को। और दूसरा जो आर्गुमेंट था हमारा हिंदू पक्ष की तरफ से कि जो ASI ने ऑलरेडी आजादी के पहले उसको सीधे तौर पे ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित कर चुकी है, तो ऐसे में उस पे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट वैसे भी एप्लीकेबल नहीं होगा और वक्फ एक्ट वगैरह एप्लीकेबल होने की संपत्ति कोई बात ही नहीं है। और हमारे जो आर्गुमेंट हैं कि जो हिंदू जो ऑलरेडी ये गैर हिंदुओं पे लागू नहीं होता वक्फ एक्ट, क्योंकि जो प्रभावित पक्ष हैं हम हिंदू हैं भगवान हैं, उनको आपने बगैर नोटिस दिए बगैर प्रक्रिया पूरी किए आपने पूरी तरह से इस पे वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया, वो भी ऐसी संपत्ति घोषित किया है जो जो आपने नाम जो दर्ज किया है वो सीधे तौर पे लगता है कुछ और नाम है, तो ये इंक्वायरी कौन करेगा? माननीय न्यायालय इसमें निर्णय एविडेंस का लेन देन होगा तो होगा। तो ऑर्डर 7 रूल 11 हमारा मूल जो आर्गुमेंट है कि जो ऑर्डर 7 रूल 11 का जो अप्लीकेशन है जो है कि मसाजिद कमेटी की तरफ से साहिदगाह की तरफ से या सुनी हुई सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से कि इनको खारिज किया जाए हिंदू पक्ष के प्लेंट को, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कुछ जो है कानूनी बाधा है। हमने यही आर्गुमेंट माननीय न्यायालय को किया कि हमारा ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, ये सब डिसाइड ट्रायल के दौरान होंगे ना कि इस स्टेज पे। तो हमारा फाइनल यही कंटेंशन रहा कि जो साहिदगाह मस्जिद कमेटी का जो भी ऑर्डर 7 रूल 11 का आवेदन है उसको जो है सीधे तौर पर रिजेक्ट किया जाए। अगली सुनवाई की तिथि 7 मई को पड़ी है, सुबह 11:30 बजे सुनवाई होगी। मैं सौरभ तिवारी सूट नंबर 9 में हिंदू पक्ष की तरफ से बहस कर रहा हूँ। धन्यवाद। इलाहाबाद हाई कोर्ट पानी टंकी जिसे DSA ब्रिज के नाम से जाना जाता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट पानी टंकी से रीडर रोड के पर जाने के लिए ओवर ब्रिज लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता विभागीय अध्यक्ष VK श्रीवास्तव ने निरीक्षण किया है। उन्होंने जर्जर DSA ब्रिज का निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि जर्जर पुल से कोई जनहानि ना हो सके इसकी मरम्मत की योजना बनाई जा रही है, जहां महाकुंभ से पहले इसे ध्वस्त नहीं किया जाएगा बल्कि इसके रिपेयरिंग की योजना लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जा रहा है और जल्द ही हो इस ब्रिज को जहां योजना के तहत इसकी रिपेयरिंग भी होगी। और क्या कुछ कहा है उन्होंने आइए दिखाते हैं। जी सर, तो उसको हटाने की बात चल रही है। क्या अभी इसको डिमोलिश करने की बात चल रही है क्या? हाँ, उस पर डिमोलिश करने पे नहीं चल रही, इसका क्या किया जाए, रिपेयर हो सकता है कि नहीं होगी इस पे बात। इस पे ट्रैफिक तो बंद है बहुत दिन से, तो ट्रैफिक बंद कर रखा है क्योंकि जो नीचे की स्थिति है उससे ये लग रहा है कि ये डैमेज कई ह्यूमन लॉस जी बिल्कुल हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। दो पहिया रिपेयरिंग कोई ऐसी वो नहीं है, उसी रिपेयरिंग की हुई कि रिपेयरेबल है या नहीं है उसको देखने आए डिसीजन लेने के लिए क्या करना है। थोड़ा इसका रिपोर्ट लेंगे कब का ये बना हुआ ये देखेंगे पहले, और जब मालूम जाएगा कब का बना है फिर एनालिसिस करेंगे क्यों इस पर डैमेज हाथ हो रहा है ये भी देखना पड़ेगा। क्या पहले इसको कुछ करने की योजना है या उससे पहले कोई बहुत मेजर काम तो इसका छेड़ नहीं समझी इसी नहीं समय डिस्टर्ब हो जाएगा इसी समय बचा पास अच्छा नहीं दिखेगा तो उसके बाद ही जाएंगे, लेकिन तब भी प्लान तो करना पड़ेगा अभी से वो कुछ भी करना उसकी प्लानिंग करनी से करना पड़ेगा प्लानिंग की हाउ टू कैसे किया जाएगा। अच्छा जी जी अच्छा मैं प्रमुख अभियंता HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट PWD। संगम नगरी प्रयागराज में जहां अब भाजपा के समर्थन में मुस्लिम समाज के युवक और महिलाएं उतर आई हैं, नकाब पहनकर महिलाएं भाजपा के लिए जहां वोट मांगती दिखाई दी और सरकार की योजना बताती दिखाई दी, तो महिलाओं का कहना था वे भाजपा के 3 तलाक के कानून से ज़्यादा प्रभावित हैं और ऐसे में वे अब सड़कों पर निकल कर गाँव जाकर जहां भाजपा के लिए वोट मांगती दिखाई दी। और क्या कुछ कहना था मुस्लिम महिलाओं का और युवकों का आइए दिखाते हैं। अच्छा, महिलाओं के लिए मोदी जी ने जैसे बहुत सारे काम किए उससे सबसे ज्यादा आप किस काम से प्रभावित हैं? 3 तलाक से हमें बहुत ज्यादा प्रभावित है, जो महिलाएं अपने घर में रहती थी
बड़ा डर से रहती थी, आज मुक्ति मुक्ति कला निकाली वो इमारत, हम जैसी औरतों को चाहे वो लाचार रहती है जैसे वैसे भी रहे उनको तलाक देने को 3 बार 10 बार सोचते हैं। परिचय बता दीजिए। नहीं, सारे मुसलमान जो है भाजपा के साथ हैं, भाजपा को ही वोट करेंगे। हाँ, प्रचार कर रहे हैं, अभी भी मीटिंग है जो है नफरीन में। मतलब जितना मुस्लिम ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे देंगे वोट मोहम्मद शरीफ। मुस्लिम समाज कभी भाजपा का विरोध नहीं किया, जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को मिली है किसी पार्टी में आज तक मुसलमानों को सम्मान नहीं मिला। मोदी जी ने जिस तरह कहा था सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, तो आज वो आज समझ लीजिए वो बिल्कुल धरातल उतर चुका है। अब आप लोग देखिए, हम सभी माइनॉरिटी के लोग हैं, माननीय मोदी जी के साथ आज बहुत प्रयागराज का मुसलमान, मैं सईदपुर भी गया था कन्विंसिंग करने के लिए माननीय प्रवीण पटेल जी के लिए, वहाँ भी हमको भरपूर सहयोग मिला। परिचय बता दीजिए। मोहम्मद इम्तियाज अंसारी, प्रयागराज, अल्पसंख्या मोर्चा, महानगर मंत्री। कम्युनिस्ट पार्टी ने जहां प्रेस वार्ता की है और प्रेस वार्ता करते हुए अब सरकार पर हमला बोला है, साथ ही उन्होंने महंगाई और महिला की सुरक्षा मुद्दे पर सरकार को घेरा है और कामरेड आशीष मित्तल व उनके साथ हीरा लाल राजकुमार पतिक विनोद निषाद ने प्रेस वार्ता करते हुए संयुक्त जहां सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और गंभीर आरोप भी लगाए हैं। साथ ही उन्होंने अपील की है कि जो दल जीत रहा हो उसे वोट करना चाहिए जिससे कि भाजपा को रोका जा सके। और क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर डॉक्टर आशीष मित्तल कामरेड ने, आइए दिखाते हैं। आज आपने हमारी पार्टी ने इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मोदी सरकार को हराने की अपील की है। उसने जो जनता के खिलाफ खराब काम किए हैं उसमें देश का धन जो है विदेशों की तरफ पलायन हुआ है और समाज के अंदर सामंती राज और उत्पीड़न बढ़ा है, मनुवादी चिंतन बढ़ा है और सरकार अपनी इन नीतियों में बड़ी कंपनियों के पक्ष में उनको मुनाफा बढ़ाने के लिए, उनकी सुविधाएं बढ़ाने के लिए गरीबों को बहुत सारे सवालों पर सताया गया है, महंगाई बढ़ाई गई है, बेरोजगारी बढ़ाई गई है, दलितों के अधिकारों पर हमला हुआ है, महिलाओं के साथ बहुत सारे दुर्व्यवहार हुए हैं, कठुआ कांड, उन्नाव कांड, हाथरस कांड और अभी गुजरात के अंदर लॉ यूनिवर्सिटी में हमने देखा किस तरह से जो है अपराधियों को बचाया गया और आदिवासियों को उजाड़ने का काम हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो है जल जंगल जमीन नदी तमाम संसाधनों पर काबिज हो रही हैं, हमारे तमाम कंपनियों के अंदर विदेशी धन बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग गांव से उजाड़े जा रहे हैं ताकि जमीनें जो है शहर बनाने के लिए और व्यवसायिक इस्तेमाल के लिए दी जा सकें। इस तरह से जनता के अधिकारों पर एक तेज हमला है। अभी बिजली के प्रीपेड मीटर लगाकर वसूली बढ़ाने का तैयारी है। हमारी जमुना नदी में रोजगार अच्छा खासा चल रहा था, लोग 1,000, 2,000, 3,000 रुपए रोज कमाते थे, वो तमाम नाव का काम रोककर जो है माफिया को स्थापित कर दिया गया है। किसानों का संकट बढ़ा है, सरकार ने वादा किया था कि MSP बढ़ाएगी और सरकारी खरीद की गारंटी करेगी, उन तमाम चीजों को रोक दिया गया है और विदेशी कंपनियों को बड़ी कंपनियों को खेती के अंदर महंगी लागत बेचने, ठेके पे खेती कराने, खाद्यान्न प्रसंस्करण करने और उनकी मुनाफे को बढ़ाने के लिए उनके बहुत सारे टैक्स माफ किए जा रहे हैं। 14.5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए गए हैं, 20 लाख करोड़ रुपए के टैक्स माफ किए गए हैं, टैक्स दर घटाई गई है उनकी, जनता से वसूली बढ़ाई जा रही है तरह तरह से। अभी नई पेयजल योजना लाए हैं जहाँ पे घरेलू पानी आपूर्ति की जाएगी और उसमें जो है घरेलू ट्यूबवेलों पर टैक्स लगाने की योजना है, तो हर चीज से सरकारी वसूली और बढ़ाई जा रही है। स्मार्ट शहर के नाम पर शहरों के अंदर नजूल जमीन की जो है लीज नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है क्योंकि बिल्डरों का उस पर उस जमीनों पर नजर है। तो जिस तरह से अमीरों के लिए देश को सजाया जा रहा है, 68 तेजस ट्रेनें चढ़ाई गई हैं जिससे दिल्ली की यात्रा का किराया जो है 7 गुना बढ़ गया है, चालू डिब्बे बंद किए जा रहे हैं, सवारी गाड़ियां बंद की जा रही हैं और अब हवाई अड्डों पे एक निशाना है, 74 हवाई अड्डे सरकार कहती है पहले थे, 159 उन्होंने पूरे कर दिए हैं और अब वो कह रहे हैं कि 400 बनाएंगे। हर हवाई अड्डा बनाने का मतलब है कि हवाई जहाज उतरे ना उतरे 10 गांव उजड़ जाएंगे। चित्रकूट के में एक हफ्ते में एक हवाई जहाज उतर रहा है,
इस तरह से अमीरों के लिए देश को सजाया जा रहा है, गरीबों के संसाधन छीने जा रहे हैं, नौकरियां छीने जा रही हैं, और सरकारी काम में बहुत कम वेतन पर काम कराया जा रहा है। महिलाओं को 2000 रुपये महीने पर रसोईया के रूप में काम कराया जाता है, आशा आंगनवाड़ी को 3 से 4 हज़ार रुपये, तमाम बाकी गांव सहायक वगैरह को 5 से 10 हज़ार रुपये। तो ये अमानवीय वेतन दर पर लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। बेरोजगारी इतनी बेहनता बढ़ गई है, लोगों की आमदनी घट गई है, हमारे बाजार बर्बाद हो रहे हैं, और बाजारों के अंदर सप्लाई में भी जो है अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे विदेशी पूंजी को जो है आमंत्रित किया जा रहा है। तो पूरे देश को दिखाने के लिए हिंदुत्व का नाम है, राम का नाम है, लेकिन असल में जो है देश को विदेशी कंपनियों और अति अमीरों के लिए चलाया जा रहा है। हम समझते हैं कि इस तरह से देश की जनता जिंदा नहीं बच पाएगी, और उसको निश्चित तौर पर भाजपा को हराना चाहिए, क्योंकि राज का तरीका भी बहुत आतंकवादी और फांसीवादी राज है। आप देख रहे हैं कि राज्यों के अधिकार पर किस तरह से गवर्नर और किस तरह से NIA के द्वारा नियंत्रण किया जा रहा है। अभी चुनावों के अंदर भी विपक्षी दलों के नेताओं को खरीदा जा रहा है, उनके नामांकन वापस कराए जा रहे हैं, और तमाम चुनाव को भी जो है एक पक्षीय ढंग से नियंत्रित करने की योजना है। हमारी अपील है जनता से कि वो भाजपा को हराए, नहीं तो ये देश का संविधान नहीं बचेगा, आरक्षण नहीं बचेगा, सामाजिक न्याय नहीं बचेगा। हम समझते हैं कि जनता को जो भी दल हराने की स्थिति में हो उसका मूल्यांकन करके उसको वोट देना चाहिए, क्योंकि मुख्य उद्देश्य भाजपा को हराने का है। मैं डॉक्टर आशीष मित्तल हूं, मैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी न्यू डेमोक्रेसी का उत्तर प्रदेश राज्य सचिव हूं। इस इलाके में हम चुनाव चौपाल चलाकर जो है इस किताब का जो है हम पूरे इलाके में पढ़वा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, ताकि लोगों को सच्चाई से रूबरू कराया जा सके। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।